Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कच्ची ढाल निकलेगी गौतमा बाई साहेब अहिल्या की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हमने देखा कि जब द्वारिका उनको रोक रही थी अहिल्या को इस कक्ष में जाने के लिए जहाँ पे उनकी पढ़ाई रेगुलर होती है, जहाँ पे वो पढ़ती है यानी कि शिक्षा कक्ष में, तभी गौतमा और मल्हारा होलकर वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे उसको समझाते हैं द्वारिका को कि क्यों जरूरी है अहिल्या की शिक्षा। और मल्हारा होलकर बताते हैं कि गुरुजी से हमने बात कर ली है, उन्होंने संदेश भेजा है कि वो अहिल्या की शिक्षा कंटिन्यू करेंगे। मगर यहाँ पे जब मल्हारा चले जाते हैं तो गौतमा द्वारिका को साफ साफ शब्दों में अपने बारे में बताती है और ये रिश्ते के बारे में बताती है कि चाहे खंडेराव चला गया है मगर मैं हूँ यहाँ पे और अहिल्या को अकेली मत समझ, मैं अहिल्या की ढाल बनके उसके साथ हूँ, उसके लिए प्रोटेक्शन का काम करूंगी। मगर क्या वो सच में पक्के वाली ढाल है? चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। मगर पहले वही गुजारे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ढाल की एग्जाम्पल लेके चले तो जो ढाल मल्हार राव होलकर रहे हैं अहिल्या की, वैसी ढाल कोई भी नहीं बन सका है। उसके बाद दूसरी जो बात हुई थी वो थी खंडेराव की, जो खंडेराव ने अहिल्या पे विश्वास दिलाया, उस पे विश्वास किया, वो भी ढाल की तरह काम किया। मगर दोस्तों, गौतमा का अप डाउन चलता रहता है क्योंकि आज भी वो अहिल्या पे 100% विश्वास नहीं कर पाई है। चाहे गौतमा ने बहुत ही बोल सकते हैं कि ऊंची आवाज में बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही है द्वारिका के सामने कि मैं हूं अहिल्या की ढाल, आप अहिल्या को अकेली मत समझिए, मगर दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वो अहिल्या की जो बातें हैं, जो उनकी सेवा भाव है, उसको नहीं समझ पाती है और फिर से वही चीजें कहती हुई नजर आती है जो वो पहले कहती थी। और यही तो द्वारिका चाहती है, इसी वीक पॉइंट का तो द्वारिका को पता है कि गौतमा कहाँ पे वीक पड़ती है और यही वो सोच के बैठी है द्वारिका कि अब जो गलती खंडेराव ने मल्हार राव की सामने की है, यानी कि उनके वो गुस्सा आया मल्हार राव को और इतनी बड़ी सजा खंडेराव को हुई है, वैसी ही गलती जो है ये अहिल्या करेगी और गौतमा भी उनको इतनी बड़ी सजा देगी और उनकी जो रास्ता है उसका दूसरा रोड़ा और सबसे बड़ा रोड़ा जो है अहिल्या वो दूर हो जाएगी। तो मुझे तो लगता है कि गौतमा जो ढाल का काम नहीं कर पाएगी, गौतमा खुद ही अहिल्या पे विश्वास ना करके उनको खतरे में डालेगी, उनकी बातों को नहीं मानेगी। और अगर गौतमा वाकई में बनती है डाल तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। देखना पड़ेगा कि हल्दी कुमकुम के बाद क्या होता है, क्या वाकई समझ पाती है गौतमा द्वारिका की चाल या फिर से उनकी बातों में आ जाती है। आप बताइए आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू।